पूरे बिहार में इस वक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जमीन का सर्वे किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे बिहार के तमाम जगहों पर शिविर लगाया जा रहा है और शिविर लगाकर ग्रामीण लोगों को बुलाया जा रहा है, वो अपने जमीन का सर्वे करा रहे हैं। चाहे वो मकान का हो, दुकान का हो या फिर खेत खलिहान का ही क्यों ना हो, तमाम जगहों का सर्वे हो रहा है और इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तमाम अधिकारी शिविर लगाकर गांव और कस्बों में मौजूद हैं। इस विशेष सर्वे के बाद तमाम लोगों को सर्वे कार्ड दिया जाएगा, जैसे राशन कार्ड होता है बिल्कुल वैसा ही सर्वे कार्ड मिलेगा। इसके अलावा खतियान की कॉपी भी दी जाएगी। सर्वे कार्ड की विशेषता ये है कि उसमें आपके ज़मीन का मैप भी होगा और भी बहुत सारी जानकारी होगी उस कार्ड में। हम आपको कार्ड कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना होगा और उस कार्ड का कितना बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और आपने देखना शुरू कर दिया है फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। अब आते हैं खबर पर, तो आखिर सर्वे कार्ड कैसे मिलेगा? जब आप अपने ज़मीन का सर्वे कराएंगे तो सर्वे किए जाने के बाद अधिकारी आपको खतियान की कॉपी और सर्वे कार्ड देगा। हालांकि अब तक कई सारे लोगों ने अपने ज़मीन का सर्वे नहीं कराया है, उनके पास ढेर सारे कन्फ्यूजन है। अगर वंशावली नहीं है तो वंशावली कैसे बनेगी? अगर आपके पास कोई कागजात नहीं है तो फिर आपका सर्वे कैसे होगा? तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ब्लॉक जाइए और वहां पर एक इंक्वायरी सेंटर बनाया गया है और आपके जितने सवाल होंगे उस सवाल का जवाब मिलेगा। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपका ज़मीन विवाद वाला है, आपकी ज़मीन पर केस है, तो कैसे सर्वे कराया जाए, तमाम सवालों का जवाब आपको वही मिलेगा। फिलहाल ज़मीन की जो सर्वे है वो कैसे हो रही है और कैसे आपको कार्ड दिया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी देते हैं। ज़मीन कार्ड दरअसल राशन कार्ड की तरह होगा, जहाँ पर कई सारे बातों का आपको ध्यान रखना होगा। विशेष सर्वेक्षण में सभी दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद लोगों को खतियान की कॉपी के अलावा ये ज़मीन का कार्ड भी दिया जा रहा है। हालांकि लोगों के मन में कई सारे शंकाएं हैं, यदि दस्तावेज पूरी नहीं है तो क्या करें, वंशावली कैसे तैयार करें, इन सब बातों को लेकर बड़ी संख्या में रैयत असमंजस में है। पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने एक इंटरव्यू में सभी चीज़ों की जानकारी विस्तार से दी थी। सचिव का कहना है कि राज्य में भूमि विवाद की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और इसी वजह से इस विवाद को खत्म करने के लिए भूमि सुधार विभाग की तरफ से सर्वे लाया गया है, क्योंकि लगातार विवाद की वजह से बिहार में कई सारे अपराध की घटनाएं भी हो रही है। इस वजह से जो ज़मीन जिसका है वो उसके पास चला जाएगा, ये भी पता चलता है कि एक ही ज़मीन को कई सारे लोगों ने बेच दिया है, तो ऐसे में जिसकी ज़मीन है या जिसने ख़रीदा है उसको काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस वजह से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें आपको सर्वे कार्ड दिया जाएगा। जिसके नाम का वो सर्वे कार्ड होगा, जिसके पास वो सर्वे कार्ड होगा, उसी की ज़मीन होगी। उसमें भूमि का जो मालिक होगा उसका तो नाम होगा, इसके अलावा कई सारे मैप, ज़मीन की आपका जो मैप है वो भी उसमें होने वाला है। इसके अलावा भी कई सारे और भी इंफॉर्मेशन उस कार्ड में मौजूद रहेंगे। भूमि सुधार विभाग की तरफ से सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और कई सारे लोगों ने अपने ज़मीन का सर्वे करवा भी लिया है। हालांकि अब भी कई सारे लोग हैं जो अभी भी कन्फ्यूज़न में, संशय बरकरार है। यदि किसी के पास ज़मीन के कागजात नहीं है लेकिन ज़मीन पर वर्तमान में कब्जा है तो खतियान में खोजने पर उसके दस्तावेज मिल जाएंगे। आस पड़ोस के लोगों के कागज के आधार पर भी मालिकाना हक का पता लगाया जा सकता है। अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। जिनके नाम पर ज़मीन खतियान में है उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके मृत्यु प्रमाण पत्र या उससे जुड़ा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना हो, रजिस्ट्री के कागजात, जमाबंदी की रसीद, खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज, खतियान की नकल, जमीन पुश्तैनी है या फिर जिनके नाम से ज़मीन है वो जीवित नहीं है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, कोर्ट का आदेश, उसकी कॉपी, आवेदक का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, ये तमाम दस्तावेज आपको जमा करने होंगे, जिसके बाद ही आपके ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। और ज़मीन के सर्वे के बाद आपको सर्वे कार्ड दिया जाएगा, ज़मीन का कार्ड, और ये सब कुछ डिजिटली भी हो रहा है, ऑनलाइन तरीके से भी कई सारे लोग करवा रहे हैं। जब आप ऑनलाइन तरीके से करवाएंगे तो आपको कुछ समय बाद वो सर्वे कार्ड मिल जाएगा, जिसका हार्ड कॉपी निकाल कर आप रख पाएंगे, और ऐप के माध्यम से भी हो रहा है। इसके अलावा शिविर में तो हो ही रहा है।
अब राशन कार्ड की तरह आपको जमीन कार्ड मिलेगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिन्होंने अपनी जमीन का सर्वे करा लिया है। इसके बारे में और भी कुछ अपडेट निकलकर सामने आएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।